अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया है ऑरेंज एंड राइस स्क्रब। बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को, डेड स्किन आपकी निकल जाती है और स्किन शाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर है, 2 टी स्पून हमारे पास ऑरेंज पील पाउडर है, 1 टी स्पून एलोवेरा जेल है और मिक्सचर बनाने के लिए हमने रोज़ वाटर लेना है। ठीक है, ये ऑरेंज पील पाउडर हमने होम मेड ऑरेंज पील पाउडर है ये। ठीक है, ये मैं इसकी वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये देखें, ये हमने बाज़ार से बाय करा था, ये ऑरेंज पील पाउडर ही है, ये मैंने बाज़ार से बाय करा था और बहुत अच्छे स्टोर से बाय करा था। ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती है। आप लोग प्लीज़ घर में बनाइएगा, बहुत ही फ्रेश बनता है, बहुत अच्छा बनता है और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये देखें, और इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, आप किसी भी चीज़ में ऐड करें, अपने अपने सोप में ऐड कर दें, अपना कोई फेस पैक बना रहे हो उसमें ऐड कर दें, बहुत काम आता है ये। ठीक है, अब बना के इसको स्टोर करके आराम से आप अपने फ्रिज में या अपने कबर्ड वगैरह में रख दीजिए, ये आराम से चलता है आपका एयर। ठीक है, अब चलते हैं, हम अपनी रेमेडी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 टेबल स्पून हमने राइस फ्लोर डाल दिया, इसी के साथ 2 टीस्पून हम इसमें ऑरेंज पील पाउडर डालेंगे। ठीक है, 2 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर डालेंगे और ये आपका बहुत सारा बन जाएगा। आप इसको बना के वीक मंथ के लिए आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 1 टीस्पून हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं, ये देखिए 1 टीस्पून हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, इसको मिक्सर को मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे ताकि हमारा मिक्सर थोड़ा थिक थिक सा बने, मतलब बहुत वॉटरी नहीं हो जाए, क्योंकि हमने स्क्रब बनाना है तो स्क्रब थोड़ा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, इसमें हम 1 टेबल स्पून और रोज़ वाटर ऐड करेंगे एंड देन लास्ट में हमने 1 टेबल स्पून और ऐड करा है और ये हमारा देखें मिक्सचर रेडी हो गया। ये देखें, ये इतना थिक पेस्ट टाइप का बनेगा। अब इसको आप अप्लाई करें 10 मिनट्स के लिए अपने स्किन पे, या डायरेक्ट आप स्क्रब भी कर सकते हैं इससे। इसको अप्लाई करेंगे, इसको 10 to 5 मिनट्स इसको छोड़ देंगे, उसके बाद आप हल्के हल्के इसको स्क्रब करके रिमूव करेंगे। जैसे आप लोग उपटन वगैरह रिमूव करते हैं अपनी स्किन से, वैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, आपकी स्किन एक्सफोलिएट करेगा, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, आपके स्किन में ग्लो आएगा, क्योंकि ऑरेंज पील पाउडर आपने यूज़ करा है यहाँ पर, तो उसमें आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी ग्लिसरीन या कुछ ऐड करने की नीड नहीं होगी, आपके स्किन वैसी मॉइस्चराइज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ अब। ये आराम से आप जैसे आप लोग उपटन रिमूव करते हैं थोड़ा स्क्रब करके, वैसे ही रिमूव करेंगे और आपके स्किन ऐसी देखें ग्लोइंग शाइनी स्किन हो जाएगी, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। आप इसको वीक में 2 to 3 times आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।